फाइनली 1.7 का अपडेट आ चुका था और भाई साहब ये वाला अपडेट खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी आप में से बहुत सारे लोग रैंक उसमें लग गए होंगे मुझे पता है, तो आप में से कितने सारे लोग रैंक उस कर रहे हो, कितने सारे लोग नहीं कर रहे हो कमेंट करके मुझे बताना जरूर। अब ये जो न्यू मोड आया है भाई आर्केन मोड, ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे खेलने में। आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना भाई। इसमें ये देखो भाई, ये स्क्रीन पे क्या जिंक्स निकल के आ रही है, जिंक्स कैरेक्टर लीग ऑफ लेजेंड्स का है, ले भाई। और ये एरोप्लेन को क्या बना दिया इन लोगों ने, और ये इस पे फायर क्यों कर रही है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि आज का ये गेम प्ले जो खतरनाक होने वाला है ना, सोच भी नहीं सकते हो आप लोग, इतना ज्यादा इंटेंस खतरनाक होगा। तो ये देखो हम लोग की प्लेन पाथ में सबसे पहले ये एक फ्लोटिंग आइलैंड था, तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट इसी पे जाके क्यों ना देखूं, देखता हूं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। और इस वाले फ्लोटिंग आइलैंड पे हम लोग पहुंच जाते हैं। मुझे तो लगा था कि इसके आर पार चले जाएंगे क्योंकि नीचे से जमीन से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत सारे बंदे यहाँ पे उतरे हुए थे। सबसे पहले तो इस बंदे को मैंने नॉक फिनिश कर दिया क्योंकि ये सबसे करीब था, उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरे बंदे को भरा। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया नहीं कि कमेंट में बताना जरूर, किल फीड देखो यहाँ पे ये बंदा मेरे टीममेट को मार के और फिर उसके बाद उसको पिगी बैग से यूज कर रहा था। पिगी बैग जिनको भी नहीं मालूम है, तो मैं आप लोग को बहुत खतरनाक सीन दिखाने वाला हूँ पिगी बैग का। और यहाँ पे जैसे मैं पहुंचा मेरा टीममेट शहीद हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे जो फ्लोटिंग आइलैंड पे बंदे जो भी मर रहे हैं इसका किल तो हमें मिल रहा है, मगर यहाँ पे जो ऑल पे बंदे मतलब टोटल जो बंदे एनिमीज वो कम नहीं हो रहे हैं। देखो 95 अलाइव है इतने सारे बंदे मरने के बाद भी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक किल चोरी किया, एंड उसके बाद यहाँ पे ये भैया मेरे उसको पेटी को मारने आए थे फूल की, तो इनके भाई इनको भी नॉक कर दिया मैंने। अब उसके बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आया पिगी बैग खत्म भाई ये करके अलग ही मजा आ रहा था। पहले तो लगा मुझे कि मैं इस बंदे को यहाँ पे नीचे फेंक दूं, नीचे फेंकने पे क्या होगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं इसको दूसरे गेम प्ले पे नीचे फेंक के देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं इससे मजे लेता हूँ। और आप लोगों ने एक रील तो देखी होगी जो बहुत चलती रहती, जिसमें एक बंदा जानवरों को लेके इंस्टाग्राम पे यू आर माई फ्रेंड नाउ करता रहता भाई बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे आया मैं सेफ में और इसको यहाँ पे देखा भाई, मुंह पे पट्टी वट्टी बंधी, ऐसा लग रहा है मैंने इसको किडनैप कर लिया। मैंने ऑल पे किया स्पीकर माइक, मैंने बोला भाई यू आर माय फ्रेंड नाउ, चलो अब मेरे साथ। अब उसके बाद ये ऑल पे कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे वापस से रखा। उसके बाद मुझे लगा कि अब तो कुछ बोल दे, लेकिन इसने नहीं बोला। तो भाई किल यहाँ पे बहुत बंदे मर रहे थे और किल चाहिए थे हमें, तो मैंने यहाँ पे इसकी पेटी बना दी। अभी इस वाले आइलैंड पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन से एयरप्लेन से ही जब आओगे तभी बस आ सकते हो। उसके लिए बुरा लगा भाई, वो भाई वो मेरे को उठा रहा था, पता है उठा के लेके जा रहा था। मतलब कि जो आप नीचे से आओगे वो पोर्टल जो रहते हैं ना सील्ड वाले एयर पोर्टल, उनसे आओगे तो आपका करेक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये जो फ्लोटिंग आइलैंड है यहाँ आने के लिए आप लोग को डायरेक्ट प्लेन से ही जम करके आना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये लास्ट बंदा बचा हुआ था इस टीम का, मैं यहाँ पे आता हूँ इसको नॉक करता हूँ। अब देखो भाई इसके साथ क्या मजे लिए मैंने, मैंने बोला भाई वो बंदा तो नहीं बोल रहा है लेकिन तू मेरा दोस्त बनेगा, और मैंने इसको उठाया और मुझे लगा इसके टीममेट यहीं कहीं छुपे ना हो, तो मैं सीधे इसको अंदर लेके भाग के गया भाई। लिटरली ये पिगी बैग यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था भाई इस उसका मुंह देखो, मुंह देखो भाई उस बंदी का मुंह देखो, कैरेक्टर का भाई, बंदा कुछ नहीं कर सकता, लिटरली बैठे रहेगा बस पीठ पे लदा हुआ है। और आप लोग ये पिगी बैग करके कुछ भी सामान वगैरह पिकअप कर सकते हो, लेकिन जंप वगैरह नहीं कर सकते, क्राउच नहीं कर सकते। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, मैंने बोला अब तू मेरा दोस्त है भाई, तो उसके बाद ये यहाँ से भाग रहा था, तो मैंने बोला कि चल तेरी ऐसी की तैसी, अब तू चल भाई, तेरे को मेरा दोस्त बनना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे आया और ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे जब मैंने रखा इसे, मैंने बात करने की ट्राई की लेकिन ये फिर भाग रहा, मैंने बोला तेरी ऐसी की तैसी, इधर आ
इधर आ तू चल मेरे साथ। और इसको लेके गया कोने पे, और इसको भाई कोने पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। मैंने बोला यहीं पे रुक, यहीं पे रुक, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है। और यहाँ पे फाइनली ये भैया मर गए। जब भाग रहे थे मैंने पिगी बैग लगाने का ट्राई किया लेकिन सील लग गई क्योंकि वो बंदा मर गया था। अब यहाँ पे जब भी आप प्लेन में, प्लेन से कूदोगे इस वाले आइलैंड पे, तो एक सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप उस आइलैंड पे मर जाओगे तो आपके पास सिर्फ एक स्कारल रहेगी, लेकिन अगर आप अंत तक सर्वाइव करते हो तो आपके पास जितनी लूट रहेगी सारी की सारी लूट आप लोग लेके ही नीचे आओगे। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे लगा ये बंदा बॉट है, लेकिन ये एक्चुअली में बंदा था। अब यहाँ पे इसकी टीम को मैंने फिनिश कर दिया और पीछे अपार्टमेंट के साइड से भाई हम पे फायर होने लगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आके थोड़ी बहुत लूट वगैरह करते हैं, देन उसके बाद पीछे बंदों पे रस करने जाते हैं। तभी भाई ओपन में मुझे एक बंदा दिखाई दिया, लेट गया इधर। अब इस टीम का मैंने एक बंदा नॉक किया, बाकी सब लेट गए। तो इस बंदे को मैंने फिनिश किया लेफ्ट साइड में। ये भैया भी लेटे तो इनको भी फिनिश कर दिया। अब उसके बाद ये लास्ट सांप वाला बंदा बचा हुआ था। एंड एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, आज के गेम प्ले में भाई साहब आप लोग को सैल्मन भाई ओपन द चैट करने का मौका बहुत गजब तरीके से मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बस आप लोग गेम प्ले पूरा देखो एंड तक और लिटरली आप लोग को मजा आ जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। मैं यहाँ पे जंप करके ग्रेनेड करता हूँ, लेकिन भाई पीक करके मैं ग्रेनेड कर रहा था और जैसे मैंने जंप किया तो सीधा हो गया मेरा कैरेक्टर और यहीं पे सेक की छत पे गिर गया ग्रेनेड। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अपने टीममेट को बोला तू उस पे फायर करता रहे और मैं स्मोक करके उसके डायरेक्ट पीछे जाके उसकी पेटी बनाता हूँ। अब यहाँ पे ये बंदा मुझे स्पॉट ही नहीं हो रहा था भाई, कहाँ पे लेटा हुआ है। हम लोग को लग रहा था कि वो बंदा पेड़ के पीछे लेटा हुआ है, लेकिन आप लोग आगे चल के आप लोग को पता चलेगा कि ये भैया पेड़ के पास तो लेटे ही नहीं है। यहाँ पे मैंने एक बॉट के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन ये तो सैल्मन भाई की स्टार्टिंग थी और ये तो बॉट था। रुको जरा अभी सबर करो, पूरी स्क्वाड को चलने वाला हूँ आज मैं। ये बंदा दिखा एंड यहाँ पे अपना पहला शिकार फुटपाथ पे लेटा हुआ। तो ओपन द चैट हो जाएगा गाइस और सब लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर दो जिन लोगों ने लाइक नहीं किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले पोर्टल पे, क्योंकि हमको चेक करना था कि भाई ये दूसरा वाला पोर्टल कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और भाई क्या मस्त एनिमेशन दिखता है भाई, बिजली यहाँ पे कड़कती रहती है और ये ऊपर गया। अब जैसे ही आप लोग इस आइलैंड पे आओगे आपका अपने आप ही कैरेक्टर एक कैरेक्टर बन जाएगा लीग ऑफ लेजेंड वाला ऑटोमेटिकली रेंडमली। और आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए रहेंगे जिनसे आप फाइट करके और वो क्रिस्टल कलेक्ट कर सकते हो। उन क्रिस्टल से आप लोग जो है तो कुछ भी बाय कर सकते हो, कोई भी गन या फिर मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। तो हमने इनसे फाइट की और उसके बाद इनको मार मूर के इनसे क्रिस्टल वगैरह हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कैसल है जैसा कि हमारे फ्लोटिंग आइलैंड पे था। देन उसके बाद आपको ये जगह मिलेगी जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आप एक रैंडमली दूसरे करेक्टर में स्विच हो जाओगे और ये सिर्फ आप लोग एक बार ही स्विच कर सकते हो इस आइलैंड में एक बार आने के बाद। तो भाई ये वाला करेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा मस्त लगा क्योंकि इसके पास मशीन गन है और इसका ये वाला मूव देखो, सुपर पावर वाला, ये देखो भाई क्या ही मतलब रॉकेट लॉन्चर जैसे मारता है और भाई क्या ही मतलब बन जाता है वो चेहरे कलर का। अब आपके वो इस आइलैंड से नीचे जंप करना हो तो आइलैंड के ये सील्ड पे जाओ और एग्जिट का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप लोग डायरेक्ट एग्जिट का बटन दबा के और नीचे जंप कर जाओगे। तो नीचे आप लोग कहीं भी रेंडमली जा सकते हो, मतलब अब मालूम नहीं वहीं पर गिरोगे डेफिनेटली जहाँ पे ये रहेगा फ्लोटिंग आइलैंड। तो हम लोग वहाँ से कूदते हैं, उसके बाद अपार्टमेंट्स आते हैं और अपार्टमेंट्स में भाई जो ज़बरदस्त फाइट सीन होने वाला है, बस आप लोग वेट करो यहाँ पे। अब ये बंदा अपार्टमेंट वाले बंदों को M24 से मार रहा था और मैंने इसको यहाँ पे नॉक कर दिया। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो था मन अपार्टमेंट्स में रस करने का, लेकिन फिर हम लोगों ने कहा कि चल पहले स्कूल चलते हैं। और जब हम स्कूल वाले बंदों से फाइट ले रहे होंगे तब भाई ये देखो अपार्टमेंट वाले भाई बंदे इतना उंगली करते हैं और हम पे रस भी कर देते हैं। तो बस आप लोग यहाँ पे की फाइट देखो और उसके बाद एक लाइक तो बनता है यार, जिन लोगों ने नहीं किया अभी कर दो यार, फाइट के बाद तक का क्यों वेट कर रहे हो। और जो लोग भी नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और
और किल्स, आप लोग किल्स तो देखते रहना भाई, इस सीजन का ये हमारा पहला गेम प्ले है और आप किल्स देखो मेरे। यहाँ पे इस बंदे ने अभी अभी इसको रिवाइव किया था अपने टीममेट को, और इनको पता भी नहीं चला मैं ऊपर से आ गया, और ये नीचे ग्रेनेड स्मोक करते रह गए, और इनकी मैंने यहाँ पे पेटी बना दी। अब उसके बाद यहाँ पे अपार्टमेंट वाले बंदों ने हम पे रस कर दिया। तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 बंदों के फुट्स आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अपार्टमेंट में कोई ना कोई बंदा इन्हें कवर फायर दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया, अब स्मोक मैंने क्यों किया था, ताकि इनका ध्यान भटक जाए और ये इधर आए, और बिल्कुल ऐसे हुआ। आप जरा ये वाला ग्रेनेड देखो आप लोग, एंड बूम। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो ये बंदे का मुझे पिछवाड़ा दिख रहा था, ये देखो मैंने एक ग्रेनेड खोला, एंड बूम। एंड इसी के साथ यहाँ पे इन दोनों बंदों की पेटी बन गई। तो इन दोनों बंदों ने वैसे काफी अच्छा दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे हम फाइट ले रहे हैं, तो इन्होंने जल्दी से रस कर दिया। लेकिन भाई साहब इनके अपार्टमेंट्स वाले टीममेट जिंदा बचे इन द एंड, और ये बंदों की पेटी बन गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रस करते हैं अपार्टमेंट वाले बंदों पे। यहाँ मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, फिर उसके बाद नॉक करने के बाद सीधे हम लोगों ने बग्गी वग्गी उठाई, और उसके बाद बूम बाम धमाका करने के लिए अपार्टमेंट वाले बंदों पे रस कर दिया। लेकिन यहाँ पे 1 से ज़्यादा टीम थी, ये तो पता चल गया था मुझे। मैंने एक खोली मॉली, और मुझे पता था ये गेट के पास ही हमेशा टीपीपी लेके हील करते हैं, और ये कर दी मॉली नॉक, फिनिश। अब एक बंदा राइट साइड, ये बंदा यहाँ पे राइट साइड लेट गया था, मैंने इसको पिगी बैग लिया, और तभी जोन आ गया, और मैंने जोन देखा भाई, मैंने कहा कितना, तभी मुझे इस बंदे के तीसरे बंदे के फुट्स आए यहाँ से। और इसका टीममेट बोल रहा होगा कि भाई मेरे को पिगी बैग लेके रखा, जल्दी तू भाग के यहाँ से निकल जा, लेकिन मैंने उसी टाइम पे इसके टीममेट को उतारा, इसको फिनिश किया, और उसके बाद इसके टीममेट की भी पेटी बना दी। तो गाइस जिन लोगों को अभी तक मजा आया हो तो एक लाइक कर देना, आप लोग को ये पिगी बैग वाला फीचर कैसा लगा ये भी कमेंट में मुझे बताना जरूर। अब हम लोग वहां से निकल के यहाँ पे आते, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और लेफ्ट साइड में क्या घमासान फाइट चल रही थी। पहले तो मुझे लगा यहाँ पे रुक के मैं मारता हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद बोला नहीं गाड़ियां चढ़ाऊंगा। एक गया, और ये देखो ये गया दूसरा, एंड ये गया तीसरा। तीन बंदे नॉक हो गए। अब मुझे लगा चौथे बंदे पे भी मैं गाड़ी चढ़ा दूं, और ये यहां पे था, लेकिन मुझे किल सिर्फ एक ही बंदे का मिला। अब यहां पे स्कैम देखो, यहाँ पे भाई गले में लिटरली हलक में जान आ गई थी, क्योंकि इस बंदे के बारे में हमें पता नहीं था, और जिस एक चौथे बंदे को मैंने मारा था वो अलग ही टीम का बंदा था। आप लोग भी सोच ही सकते हो भाई कि लिटरली तीन बंदों को गाड़ी से कुचलने के बाद भाई एक चौथा टीममेट पेड़ के पीछे वहीं पे लेटा हुआ, और भाई उसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, और उसने हमारी पेटी बना दी। उसके बाद हम घूम के यहाँ पे आते घरों पे, क्योंकि हमें लगा था कि अब आखिरी के बंदे घरों पे ही होंगे, और वो बंदे इन्हीं घरों पे रहते हैं। भाई उस चौथे बंदे ने जो सरप्राइज मदल फकल किया ना मेरे साथ, लिटरली मुझे पता भी नहीं चला कि वो बंदा पेड़ के पास है। अब यहाँ पे मेरा टीममेट बताता है कि यहाँ पे कॉर्नर पे उसे बंदा स्पॉट हुआ है। मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके क्लोज इन करता हूँ, ग्रेनेड जैसे मैंने खोला एक बंदा भाग के पैनिक रूम में जाता है, एंड ये बंदा नॉक। आप गाइस जल्दी से लाइक कर दो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, और जो लोग भी नए हो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब मैं यहाँ पे सीधे रस करता हूँ इस बंदे पे,
यहाँ पे ये बंदा नहीं रहता, यहाँ पे देखा नहीं रहता, अब देखो ऑफलाइन है क्या भाई। इसको लगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बैठा हुआ है, और लिटरली मुझे शुरू में पता नहीं भी चला था, लेकिन भाई जैसे मैं क्लोज आया मुझे पता चल गया, और इस बंदे ने हीलिंग कैंसिल नहीं की, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना जरूर, मजा आया कि नहीं, अगर मजा आया तो एक लाइक कर देना, नहीं आया तब भी कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में, टिल देन सारा थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।